हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि इन्वर्टर और फेस का बाईपास कनेक्शन कैसे किया जाता है। यदि हमारे पास चेंज ओवर स्विच नहीं है तो हम किस तरह से अपने उसको बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमें बनाने के लिए एक हमको 5-पिन सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, हमको 1-वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास 1-वे स्विच नहीं है तो हम 2-वे स्विच को ही 1-वे में यूज करेंगे और हमको एक 2-वे स्विच का इसको लिए ज़रूरत। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बड़े आसानी से दिखाएंगे यदि हमारे पास फेस और इन्वर्टर का फेस और मेन फेस हो तो हम कैसे उसको बाईपास कर सकते हैं और इसके लिए कुछ वायर्स। तो आज हम आपको इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे और डेमो देंगे आपको, लेकिन आपको ये घर की वायरिंग में करना है बड़े आसानी से। तो दोस्तों आप भी इसको कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कि इस तरह की वायरिंग कैसे होती है तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज बड़े आसानी से हम आपको इसका डायग्राम बनाना सिखाएंगे और उसके लिए सामग्री लगेगी उसके लिए हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये कुछ सामग्री है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास 5-पिन सॉकेट है और ये हमारे पास एक 1-वे स्विच है। 1-वे स्विच हमारे पास है नहीं है तो हम इसको 2-वे यूज करेंगे और 1-वे में इसको हम यूज कर लेंगे। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से यूज हो सकता है। तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे डायग्राम, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम 1-वे में यूज करने वाले हैं और इसे हम 2-वे में यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 2 फेस होते हैं इन्वर्टर का और एक मेन फेस होता है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे पास चेंज ओवर नहीं है, तो सबसे पहले हमको एक पैर का टुकड़ा लेना है और जो 2-वे का सेंटर वाला पॉइंट है, कॉमन वाला पॉइंट बोलते हैं, उसमें इसको डाल देना है। बड़े ही आसान तरीके से चला जाता है। अब हमको क्या करना है, इसको फुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा लोड आता है। ये हमारा आउटपुट वायर है, क्योंकि हमारे जो दोनों फेस आएंगे उसका ये आउटपुट वायर होगा। तो अब हमको जो ये हमारे पास 2-वे का दूसरा स्विच है, इसको हम 1-वे में यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल 1-वे स्विच नहीं है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है तो इसको हमको कॉमन वाले पॉइंट में इसको भी हमें कनेक्ट कर देना अच्छे से। तो ये हम इसको भी कनेक्ट कर दे रहे हैं और फुल टाइट करेंगे, इसको लूज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड तो हमारा इसी के ऊपर आने वाला है। क्योंकि आप इस यहाँ पे अपने घर में जब इस स्विच को लगाएंगे, इस सिस्टम को लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपना DP MCB लगाना है, ना कि स्विच लगाना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक आउटपुट वायर चाहिए जो हमें सॉकेट के L वाले पॉइंट में लगाना है। तो दोस्तों ये हमने उसके सॉकेट स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला टर्मिनल है इसको हम फ्री छोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम 1-वे में ही यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एल वाले में ही कनेक्ट करना है आपको, एन वाले में नहीं कनेक्ट करना। बहुत से इलेक्ट्रीशियन यही गलती करते हैं कि एन वाले में कनेक्ट कर देते हैं, एल वाले में नहीं करते हैं। तो ये हमने कर दिया है कनेक्ट बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारा सर्किट पूरा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो हमने सॉकेट लगाया है ये हम आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे लोड कैसे चला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपने पूरे घर का लोड देना है। और यहाँ पे जो 1-वे स्विच लगाया है हमने, यहाँ पे आपको DP MCB लगाना है। और जो हमने 2-वे का स्विच लगाया है दोस्तों, वहाँ पे आपको MCB चेंज ओवर लगाना है। तो आप इतना समझ गए हैं। तो दोस्तों हमको एक अब न्यूट्रल वायर लेनी है और ये हमें सॉकेट के एन वाले पॉइंट में लगाना है। बड़े आसान तरीके से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह से हम लगा रहे हैं इस तरह से लगाना है। दोस्तों ये वायर हमारी 1.5 mm की है, आपको अपने लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वायर डालनी है। तो दोस्तों ये हमने न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया बहुत ही आसान तरीके से और इसको फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि लूजिंग नहीं छोड़नी चाहिए इलेक्ट्रिक के किसी भी काम में। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा ये सर्किट पूरा हो चुका है। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी हमें 2 वायर्स की, जो हमारे ये रेड वाला जो है हमारा मेन फेस का वायर है और जो हमारे ये ब्लू वाला है ये हमारा इन्वर्टर के फेस का वायर है। तो दोस्तों आज हम आपको बड़ी आसानी से दिखाएंगे कि इनको बाईपास कैसे किया जाता है यदि हमारी पावर सप्लाई, गवर्नमेंट जो पावर सप्लाई होती है, वो भाग जाती है। तो हम इन्वर्टर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने पूरे घर की सप्लाई को। तो सबसे पहले हमको फेस को ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सा भी फेस कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम नीचे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये हमने कनेक्ट कर दिया है बड़े आसान तरीके से। अब दोस्तों हमको इन्वर्टर वाला वायर लेना है, जो इन्वर्टर का फेस जिस वायर में आता है उसको लेना है और बड़े आसान तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसको पहले छीलेंगे और ट्विस्टेड करेंगे, पिन टाइप बनाएंगे और इसको हमें जो स्विच है हमारा उसके ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों हम इसको भी कनेक्ट कर ही देते हैं, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान सर्किट है ये। दोस्तों इसके बाद हमारे गोडाउन वायरिंग आएंगी, होस्टल वायरिंग आएंगी,
टनल वायरिंग आएंगे, बहुत वायरिंग की वीडियो डायग्राम आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से हमने किया है ये। अब दोस्तों इसको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे आपको, और पहले इससे पहले हम बता देते हैं कि ये हमारा मेन फेस है और ये हमारा इन्वर्टर फेस है, और जिस तरह से आएगा उस तरह से हमने कर दिया है। अब हमको क्या करना है, एक होल्डर की ज़रूरत है जिससे हम आपको दिखा सकें कि लोड हमारा किस तरह से चलता है। तो उससे पहले हमने ये टू पिन प्लग बनाया है। इससे वीडियो रिलेटेड नहीं देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसके वायर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और होल्डर में कनेक्शन कैसे करते हैं वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं यूजली बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको हमें फुल टाइट करना है, और होल्डर के कनेक्शन बहुत ही आसान है, इसमें दो ही वायर होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। तो इसको फुल टाइट किया हमने और इसका कवर लगाया, और ये हमारा होल्डर कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये देखो हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है कि हम इसको पलटना है, क्योंकि हमें देखना है पलट के इसमें लोड देना है। तो ये हमने पलट दिया है, और इसको थोड़ा सा वायर हमारा आड़ा तिरछा हो गया तो उसको सही से करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कर दिया अच्छे से, और ये हमारा वायर सब अच्छा हो चुका है। अब इसमें हमें होल्डर में बल्ब लगा देना है, तो ये हमने बल्ब लगा दिया, और हमने लोड के लिए इसमें सॉकेट में ये डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पूरे घर का लोड डालना है, ये हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपना बल्ब यूज़ किया है, आप यहाँ पे पूरे घर का लोड देंगे। तो दोस्तों जब हम इसको जलाएंगे तो यहाँ से जलेगा। अब हमारा जो ये काम कर रहा है, हमारा इन्वर्टर फेस पे काम कर रहा है, जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा ये मेन पावर सप्लाई पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्क करती है। अब जिस तरह से हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये हमारा इन्वर्टर से काम करेगा, और ये जो बीच वाला स्विच हमने लगाया है तो इससे हमारे पूरे घर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ऑफ हो गई है। अब इसको हम जैसे कि उस तरह से हमारा जो मेन फेस गवर्नमेंट पावर सप्लाई होती है, अगर वो चली जाए तो किस तरह से हम इसको बाईपास कर सकते हैं, तो अब हमको वो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी गवर्नमेंट की जो पावर सप्लाई होती है वो अब जा चुकी है, और हमें इसको इन्वर्टर से चलाना है। तो इस स्विच को ऊपर कर देंगे और इस वाले स्विच को ऑन कर देंगे, तो ये हमारा वो इन्वर्टर से चल रहा है। और इसको जैसे ही हम नीचे करेंगे तो हमारी वो सप्लाई जा चुकी है, तो ये काम नहीं करेगी इस टाइम, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पावर सप्लाई है वो जा चुकी है और इन्वर्टर वाली आ रही है, तो इन्वर्टर वाले पे ही काम करेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये वायरिंग काम करती है, बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास चेंज ओवर नहीं तो हम इस तरह का स्विच लगा के अपना काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर दोस्तों वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कनेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने कनेक्शन को कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, और इस वायरिंग को हम बाईपास रिवर्स कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।